दिग्गज एक्टर सतीश कौशिक का 66 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया। 9 मार्च को वो हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गए। सतीश कौशिक के निधन से उनके परिवार और करीबियों को उन्होंने जिंदगी भर का एक खालीपन दे दिया है। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई थी, लेकिन अब सतीश कौशिक मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल एक्टर डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत की जांच कर रही पुलिस शनिवार को दिल्ली के फार्म हाउस पहुंची। कौशिक मौत से एक दिन पहले यही होली पार्टी में शामिल हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को फार्म हाउस की तलाशी में कुछ दवाइयां मिली है। पुलिस फार्म हाउस के मालिक से पूछताछ करना चाहती थी, लेकिन वो फरार है। दरअसल फार्म हाउस उद्योगपति विकास मालू का है। पुलिस को यह भी पता चला है कि विकास मालू पर सालों पुराना एक रेप केस भी चल रहा है। सतीश कौशिक का बुधवार रात 1:30 बजे दिल्ली में अचानक निधन हो गया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सतीश कौशिक की मौत संदिग्ध परिस्थिति में हुई है, इसीलिए उनके शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट अभी सामने नहीं आई है। हालांकि शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई थी। सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर्स ने अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं बताया है। एक्टर की बॉडी पर कोई चोट के निशान नहीं थे। जांच के लिए खून और हार्ट को रखा गया है। 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन में पुलिस को खून और हार्ट की रिपोर्ट मिल जाएगी। पुलिस किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसमें मौत की असल वजह का पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।